लोग सदैव मुझसे ये प्रश्न करते रहते हैं कि मित्रता का मतलब क्या है, इस प्रेम का मतलब क्या है, और मैं बस मुस्कुराता हूं, क्योंकि ये तो ऐसा प्रश्न हुआ जैसे कोई पूछे कि अनर्थ का अर्थ क्या है। अब जब अनर्थ हो ही गया तो उसका अर्थ क्या, उसी प्रकार वो मित्रता क्या जिसमें आपका कोई मतलब, वो प्रेम क्या जिसमें आपका कोई स्वार्थ। ये दो भाव ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ चाहिए नहीं होता, बस देना होता आपका समय, आपकी भावनाएं, आपका सुख। कुछ मांगने के लिए करोगे तो वो मित्रता कैसे, कुछ पाने के लिए करोगे तो वो प्रेम कैसे। वैसे भी देखा जाए तो जो प्रेम करते हैं उन्हें कुछ पाने की आवश्यकता ही नहीं, और जिसके पास ढाई अक्षर वाला ये प्रेम शब्द हो उसके पास तो इस संसार का सबसे बड़ा कोष। तो आप इस कोष को बढ़ाइए और मेरे साथ कहिए, हम मनुष्य साथ रहते हैं, आनंद पीड़ा मिलजुल कर बांटते हैं, समय पड़ने पर सहायता देते हैं, सहायता लेते भी हैं, किंतु क्या सदा सहायता लेना उचित है? अब आप में से कुछ कहेंगे बिल्कुल उचित है, इसमें बुरा ही क्या है, मनुष्य ही तो मनुष्य के काम आएगा। बिल्कुल उचित कहा आपने, किंतु सदा के लिए सहायता लेना उचित नहीं है। कारण, यदि बात बात पर सहायता लेने का अभ्यास हो गया तो आप स्वयं दुर्बल होते जाएंगे। स्वयं का एक मार्ग बनाना छोड़ आप बात बात पर दूसरों से सहायता मांगे। दूसरी बात, सहायता के साथ जुड़ा आता है उपकार का भार, तो जिससे सहायता ली है उसके समक्ष झुक कर रहना होगा। इसीलिए संकट में भी सोच विचार करके सहायता ले, क्योंकि संकट तो कुछ दिनों पश्चात निकल जाए किंतु उस उपकार के ऋण का भार जीवन भर आप पर रहे। राधेरा। जब से मनुष्य का जन्म हुआ है, जन्म हुआ है जान पहचान का, और आज के युग में तो व्यक्ति का मूल्यांकन ही इस बात से किया जाता है कि इसकी पहचान किससे है, इसकी पहचान कहां तक है। क्यों, आपके आसपास भी ऐसे कई लोग होंगे जो पहचान की बल पर आपका काम बना लेते हैं, ऐसे कई लोग होंगे जो पहचान से काम पा लेंगे, धन अर्जित कर लेंगे। किंतु आप तनिक सोचिए, क्या ये ठीक है? पहचान से मिला काम आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आपके उनसे मधुर संबंध होंगे, संबंधों में खटास आई और काम निकल गया हाथ से तो अब क्या किया जाए? इसका उत्तर है काम। अपना काम पूरे मन से करो, अपना काम निश्चय से करो, क्योंकि पहचान से मिला काम अधिक समय तक नहीं टिकेगा, किंतु काम से मिली पहचान युगों युगों तक टिकेगी। राधे राधे। राधा कृष्ण। मनुष्य जब जन्म लेता है और मनुष्य जब इस संसार को छोड़कर जाता है, इसके मध्य का काल जीवन कहलाता है, और इस जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ता है, कभी शिक्षा के लिए, कभी काम के लिए, कभी वास्तविक युद्ध करना पड़ता है। किंतु इस संघर्ष का सामना करने के लिए प्रकृति ने हम में एक और गुण भी भेजा, प्रयास। कभी किसी छोटे बालक को देखा, ना कुछ बोल पाता है ना कुछ समझ पाता, किंतु अपने घुटनों के बल पर
समस्त आंगन नापने का प्रयास करता, खड़ा होता, गिरता, फिर खड़ा होता और अंततः वो चलना सीख ही जाता, क्योंकि वो अपने मन से नहीं हारता। जीवन में युद्ध क्षेत्र कई आएंगे, कभी कभी हार का सामना भी करना होगा, किंतु हारता केवल वो है जो मन से हार जाता। इसलिए कहते हैं युद्ध रणभूमि से पहले मन भूमि में लड़े जाते हैं। मैदान में हारने वालों को कई अवसर मिलते हैं, किंतु मन से हारने वालों को नहीं। राधे राधे। प्रतिदिन सूर्य उगने के साथ ही जाग उठती हैं कुछ कहानियां, कुछ संघर्ष, कुछ इच्छाएं, कुछ यात्राएं, पर सभी कहानियां संपन्न नहीं होती, सभी संघर्ष जीते नहीं जाते, सभी इच्छाएं प्राप्त नहीं होती और कुछ यात्राएं रह जाती हैं अधूरी। क्यों? अब आप में से कुछ कहेंगे प्रयास अधूरा रहा, कुछ मानेंगे निश्चय दृढ़ नहीं था, कुछ क्रोध करें, तो कुछ इस असफलता का बोझ अपने भाग्य के कंधों पर डाल देंगे। परंतु इस सब का कारण केवल एक तत्व की कमी, कमी है ढाई अक्षर की, कमी है प्रेम। प्रेम जो न शास्त्रों की परिभाषा में मिलेगा, न शस्त्रों के बल, न पाताल की गहराइयों में, न आकाश के तारों। तो ये प्रेम है कहाँ, कैसे पाया जाता है, क्या है मार्ग प्रेम को पाने का? प्रयास रहेगा आपको यही समझाने का। तो आई भागी बनिए इस यात्रा की, साक्षी बनिए प्रेम की इस भाव विभोर कर देने वाली महागाथा की, जो अलौकिक होकर भी इसी लोक में रची गई। और इस यात्रा के लिए आपको ना कोई शुल्क लगेगा, ना ही कोई परिचय पत्र, बस एक बार मन से बोलना होगा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधा कृष्ण। जब मैया खीर बनाती है तब वो हमें बहुत भाती, क्यों? किंतु मैया खीर कैसे बनाती? पहले वो भात और दूध का प्रबंध करती है, फिर वो मीठे का प्रबंध करती है, फिर वो आंच पर इसे देर तक पकने देती है ना सरल? इतना भी सरल नहीं। इस जीवन में आनंद की खीर चखने का भी यही तरीका, किंतु इसमें समय बहुत लगता है। शुद्ध श्वेत दूध जैसे भावों में, कभी न टूटने वाले संबंधों में प्रेम की मिठास मिलाकर, जब प्रयास और परिश्रम की आंच पर देर तक पकाया जाता है, तब बनती है आनंद रूपी खीर। तो स्मरण रखिए, शुद्धता भावों की, मिठास प्रेम की और प्रयास आत्मा की, इन तीनों को मिलाओगे तब भी जीवन में आनंद पाओगे। राधे राधे।